सहोनी फोर्सेस ने गजा में करबला बर्पा कर दी। मजलूम फलस्तीनियों पर पानी भी बंद कर दिया। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी पर अक्वामे मुत्तहदा भी चीख उठा। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक इसराइली फौज मुहासरे के बाद गजा के लिए पानी जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। फलस्तीनियों के लिए अक्वामे मुत्तहदा की पनाह गुजीन एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजरीनी ने खबरदार किया कि इसराइल ने गजा पर हमला करके पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से फलस्तीनियों के लिए पानी एक बड़ा मसला बन गया है। कमिश्नर जनरल फिलिप लाजरीनी ने इंकशाफ किया कि इस वक्त 2 मिलियन लोगों को पानी दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से उनकी जिंदगी में मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं, जिसके लिए जरूरी है कि गजा में ईंधन को पहुंचाने की इजाजत दी जाए। अक्वामे मुत्तहदा के अहलकार का कहना है कि एक हफ्ते से गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत नहीं है। साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस फलस्तीनियों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया है, जिससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।